बात है नींद और मैं आज ये पोया लग रही हूँ ना, अच्छी लग रही है। मैंने आज मेकअप किया है क्योंकि मैं आज ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में जा रही हूँ और मेरे जूते मैंने बड़े वाले डाले हैं। यस, मैंने बाल भी स्ट्रेट किए हैं, मैंने मेकअप भी किया। साथली ने मेरे बुक्स मल किया, उसके बदले मुझे उसने कंप्लेंट किया कि प्लीज़ अपने फॉलोअर्स को कहो कि 12 o'clock के बाद फ़ोन ना करें, वो डिस्टर्ब होती है। और यस, मैंने एक्चुअली आज स्टोरी भी डाली है, बट क्या कर सकते हैं, छोड़ा ये बात को बाद में करूँगी लाइव सेशन में। अभी मैं ब्लैकपिंक के कॉन्सर्ट में जा रही हूँ, पर एक्चुअली वो 5 बजे है, ठीक है। बट मैं अभी इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट स्टिक लेनी है, मेरे पास लाइट स्टिक नहीं है। वो लोग वहाँ पे सेल करते हैं, BTS की जो लाइट स्टिक है वो कहीं भी मतलब कूपन वगैरह पे मिल जाती है, लेकिन ब्लैकपिंक की नहीं मिलती है। और ब्लैकपिंक के लिए थोड़ा टाइम लगता है अगर ऑर्डर भी करते हैं तो, इसीलिए वहाँ पे ऐसे ही पैसे दो और मिल जाती है। तो मैं जा रही मेरी फोटो वगैरह खींची जो मैं अपलोड भी करूंगी। और ये चलो मुझे लाइट स्टिक मिली, आपको पता है ये ना बड़ी मॉडर्न टाइप की है, इसको ऐप से चलाना पड़ता है और जैसे जैसे कॉन्सर्ट होगा तो वो अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी। इसमें बैटरी भी डाली है 3 छोटी छोटी, बट ये जो है ये उसी टाइम पे ऑन होगी, वो भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होके। यस, शुक्र उसने मेरी हेल्प की, बट वो चली गई क्योंकि उसकी जो थी वो थोड़ी स्पेशल वाली वो टिकट थी, तो वो उनकी रिहर्सल भी देखेगी, मेरे को रिहर्सल देखने का मौका नहीं मिलेगा। बट कोई बात नहीं, टिकट मिली हम रात को एंजॉय करेंगे। और पता है मैं इसके लिए 2 या 2.5 घंटे सुबह धूप में खड़ी होकर मैंने यह ख़रीदा है, मैं बता नहीं सकती। अभी भी लोग खड़े हैं क्योंकि मैं सुबह इसलिए जल्दी आ गई थी क्योंकि ना मुझे पता था कि ये अगर ख़त्म हो गया ना तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। अगर सबके पास लाइट स्टिक है और मेरे पास नहीं होगी तो कितना अजीब लगेगा। और ना जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे फेस्टिवल हो रहा है। सबसे ज़्यादा लाइन मुझे लगता है वहाँ पे लगी है, जो मेंबरशिप वाली थी ना, वीवर्स मेंबरशिप वाली जो लाइन है वो एक पुल है उसको भी पार करके है। मैं आपको दिखाती हूँ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me. मैं सुबह आई थी, मैं 9:30 बजे निकली, 11:30 यहाँ पहुँची और 11:30 बजे से मैं लाइन में लगी थी। मैंने आते हुए कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया था, मैं सीधा लाइन में लगी थी क्योंकि मुझे लाइट स्टिक लेनी थी। और इसके बाद 11:30 बजे का जो वो है क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट, वो 5 बजे से शुरू है। अब समझो मैं सुबह 9:30 बजे से निकली और मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं ये वाले रामेन खाने लगी क्योंकि जो बाकी शॉप्स वगैरह वो बहुत दूर है।
और मेरे को नहीं पता कि मैं क्या खाऊंगी, मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं खाना नहीं चाहती। आई थिंक मैं 2 चम्मच खाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं इसके बाद। ये बुगू बुगू ये पीऊंगी। तो एक्चुअली मैंने खा लिया पर और मुझे यहाँ पे एक मतलब जानने वाले लोग मिले जो मतलब तेगू से मुझे जानते थे क्योंकि हम एक ही लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में थे। और पर वो लूना कॉन्सर्ट में आए हैं, मैं ब्लैक पिंक के, बट उन्होंने मुझे मिल गई, मुझे यही बहुत ही खुशी मतलब कह दी है। ये है ये लीजा बैंक, लीजा बैंक अंदर आ गई। यस पियर डोम, ये है मेरी टिकट और ये है मेरी सीट नंबर, पता नहीं वही मैं ढूंढ रही हूँ। और मुझे ये कुछ मिला है, ये मुझे मिल गया यार, मुझे नहीं पता था कि इतनी नज़दीक सीट मिल जाएगी, मतलब बहुत नज़दीक है ये। मैं और परित बहुत मुझे यहाँ पे मदद की किसी ने, मैं तो अंदर से पहले फूट रही हूँ, दिखाऊँ। मेरा तरीका है घर लेके जाने का, बैग में जगह नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। 2.5 घंटे का कॉन्सर्ट था, वो लोग मेरे काफ़ी करीब थे, पता है मेरी आंखों से पानी आ गया था जब हम लोग एक स्टेज गाना गा रहे थे, आंखों में पानी नहीं ला सकती थी, आंखों में कालिक पोती थी। ओके तो ये था ब्लैकपिंक का कॉन्सर्ट, मेरा सफर, और वो लोग इतने सुंदर थे ना, मेरी आंखें।